अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम जा रहे हैं शेखुपुरा। मैं अपने पेरेंट्स को मिलने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं जा रही थी आज ना, काफ़ी दिनों से प्लान भी बन रहा था लेकिन ठंड की वजह से फिर हम लोग डिले कर रहे थे कि नहीं जाते, अभी सर्दी बहुत है, फिर छोटे बच्चों को भी स्कूल से ऑफ हुआ हुआ है। तो फिर आज संडे का दिन है तो फिर हमने प्लान बना ही लिया कि चलें, आज चलते हैं। तो तकरीबन 1-1.5 बजे का टाइम था जब हम घर से निकले थे। तो आज भी ठंड बहुत ज़्यादा थी और फॉगी सा वेदर था और धूप तो निकलती नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं निकलती। बस फिर काफ़ी दिनों से मेरा दिल भी चाह रहा था अम्मी अबू से मिलने को। तो फिर मैंने, अम्मी भी काफ़ी पूछ रही थी कि आना नहीं है, किस दिन आना है। तो फिर हम बनते बनते प्लान रह जाता था बिल्कुल। तो आज फाइनली हमने प्लान बना ही लिया कि चलें जी, चलते हैं। और कोई बात नहीं, सर्दी के साथ साथ फिर बंदा एंजॉय भी तो करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सिटी शेखुपुरा में। तो अब हम जा रहे हैं अपनी अम्मी के घर की तरफ। तो आज मेरी जो छोटी खाला है उनका भी आने का प्लान था क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था। और जैसे ही हम उनके गेट के पास रुके ना तो वो भी आ गई, तो उसी टाइम पे तो वो भी अम्मी, हमने इकट्ठी एंट्री की अम्मी के घर ना। तो बस अम्मी ने फिर चाय शाय का इंतज़ाम किया हुआ था और वो मेरी खाला केक लेके आई थी। तो मेरे अब्बू की पिछले दिनों ही बर्थडे गुजरी थी तो फिर हमने कहा कि चलें बर्थडे कर लेते हैं, अब्बू की सेलिब्रेट करते हैं। तो केक कट कर लिया, ऐसे फिर खुश हो जाते हैं बच्चे भी और बड़े भी, फिर ऐसे सारी गैदरिंग में ना खुश हो जाते हैं। फिर इस तरह हमने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया आपस में, बातें शातें की, चाय शाय पी। सर्दी इस कदर ज़्यादा थी कि चाय जो है ना वो कप में डालते साथ ही ऐसे ठंडी सी हो जाती है। तो बस फिर चाय तो फिर एक दफ़ा अम्मी ने बना के रखी हुई थी, फिर साथ ही फिर हमने दोबारा भी चाय बना ली कि इतनी सर्दी लग रही है तो फिर चाय तो फिर चलती रहती है सर्दियों में। तो बस अब हम केक खिला रहे हैं, मैं अपनी अम्मी को अब्बू को केक खिला रही हूँ। तो अम्मी ने गाजर का हलवा भी बनाया हुआ था और फिर हमने काफ़ी सारी चीज़ें थी, फिर हमने इंजॉय किया और चाय शाय पी और बड़ा मज़ा आया। और इसके बाद ना फिर हमने सबने ना मिलके हमने जाना था अपनी मामू को मिलने, नाना अबू से मिलने, और मतलब नानों घर अपने जाना था। तो हम आए थे काफ़ी दिनों बाद तो फिर इसलिए सब मामियाँ और मामू और सब ना, फिर मामू ने फिर चाय के साथ, उनको मिलना था मामियों को भी। और इसके बाद फिर मामू ने चाय शाय के साथ समोसे जलेबियाँ वगैरह मंगवा ली क्योंकि ये सबको ही बड़ी पसंद होती हैं। तो रात हमें हो ही गई थी तकरीबन निकलते निकलते ही। तो फिर उसके बाद खाला के साथ, छोटी खाला को छोड़ने के लिए उनके घर जाना था। तो वो कह रही थी कि बस मैंने अब इसके बाद हमने वापस जाना था अम्मी की तरफ, फिर डिनर वगैरह करना था, कुछ प्लान बना हुआ था। तो फिर हम उनको छोड़ने जा रहे थे तो फिर हमने कुछ बाइट से ही हमने ऑर्डर कर लिया, फिर बारबेक्यू वगैरह ना वही हमने खा पी लिया। और खाला के घर के पास ही बिल्कुल था ये एक पॉइंट, तो ना फिर हमने कहा खाला को साथ ड्रॉप भी करते हैं और साथ अपना थोड़ा बहुत डिनर भी कर लेते हैं कि शाम को चाय के साथ भी हमने कुछ खा पी लिया था। इसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है मंडे को, तो फिर अम्मी के साथ फिर मेरा थोड़ा सा, अम्मी ने कुछ चीज़ें लेनी थी एथनिक पे, आउटफिटर्स पे, इसके अलावा ब्रेकआउट। हम यहाँ काफ़ी सारी जगहों पे गए, ईडन रोब वगैरह सेल्स काफ़ी लगी हुई थी लेकिन अब ज़्यादा उनके पास रहा भी कुछ नहीं क्योंकि सेल्स में ना काफ़ी सारा स्टॉक भी इनका हो गया ख़त्म। तो बस कुछ जेंट्स की लेनी थी शलवारें कमीज़ें वगैरह। तो बस फिर होगी हमारी शॉपिंग डन। तो अब हमारा शाम को फिर वापसी का प्लान बना, फिर खाना शाना खा के हम निकले अपने घर के लिए क्योंकि बच्चों की फिर आज छुट्टी हो गई थी इसलिए कल जाना था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो छोटी सी हमारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।